ट्रांसेंडेंटल ब्रेथवर्क क्या है? दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य श्वास को लेना होता है और हमारे जीवन का सबसे अंत कार्य श्वास को छोड़ना होता है। भौतिक स्तर पर हमारी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस हमें सिर्फ वायु लगती है, पर जब हम अपनी सांस को अपनी जागरूकता के साथ जोड़ देते हैं तो यही वायु प्राण शक्ति का रूप धारण कर लेती है। वह प्राण शक्ति जो हमें परब्रह्म की ऊर्जा के साथ जोड़ती है और हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करती है। तो आइए ट्रांसेंडेंटल ब्रेथवर्क के माध्यम से अपनी श्वास के साथ जुड़ते हैं। दोस्तों, ट्रांसेंडेंटल ब्रेथवर्क श्वास की एक बहुत ही सरल किंतु शक्तिशाली तकनीक है जो आपको चेतना की रूपांतरिक अवस्था या परावस्था में ले जाती है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा ब्रेथवर्क से परिचय कैसे हुआ। सन 1996 में मैं जब सिर्फ 22 वर्ष का था तब मेरे पिताजी का निधन हो गया। वह एक आकस्मिक मृत्यु थी और मैं डिप्रेशन में चला गया। उसके 6 महीने बाद मुझे चेस्ट का टीबी हो गया और जैसी कि नियति में लिखा था कि तुरंत 2 दिन बाद ही मैं एक ध्यान के गुरु ब्रह्मशी पत्री जी से मिला, जिनसे मैंने ध्यान करना सीखा और यही थी मेरी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। इस ध्यान के अभ्यास को मैंने पूरी लगन से सीखा और उसके बाद मैंने ध्यान को नियमित रूप से करना जारी रखा। इस अनुशासित अभ्यास के फल स्वरूप 30 ही दिनों में बिना किसी एलोपैथी उपचार के मैंने स्वयं को टीबी से मुक्त कर लिया और फिर से पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अपने इस ध्यान के अभ्यास को मैं और भी गहराई से वैज्ञानिक दृष्टि से खोजना चाहता था। इस खोज यात्रा के दौरान मैंने कई प्रकार के प्राणायाम और आध्यात्मिक अभ्यासों की तकनीकों का अभ्यास किया, उनको सीखा और उनके प्रभावों का विश्लेषण किया। सन 2002 में मैंने ब्रेथवर्क की एक वर्कशॉप में भाग लिया। इस ब्रेथवर्क को मैंने बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली पाया। तब से ही मैं इस तकनीक का निरंतर अभ्यास कर रहा हूँ। इस अभ्यास के कारण मैं उन सारी नकारात्मक भावनाओं के बोझ को साफ कर पाया जिसे मैं अंदर ही अंदर ढो रहा था। तब से मैंने यह मिशन बना लिया कि मैं ध्यान और ब्रेथवर्क को हर एक तक पहुंचाऊंगा। आइए अब ब्रेथवर्क के कुछ फायदों को जानते हैं। दोस्तों, मैं सन 2002 से ब्रेथवर्क का निरंतर अभ्यास कर रहा हूं और अपने खुद के अनुभव के आधार पर ब्रेथवर्क के कुछ लाभ मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आरोग्य के लिए यह एक सर्वोत्तम उपाय है। अब मैं आपको इसके कुछ विशेष फायदे बताऊंगा, जैसे कि इसके निरंतर अभ्यास से यह आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करता है और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिसके कारण आपके शरीर के अंदर के हानिकारक एसिड्स समाप्त हो जाते हैं और आपका शरीर अल्कलाइन होने लगता है। यह आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है जो कि अपने शरीर की सबसे बड़ी रसायनशाला है या फार्मेसी है, और शरीर को रोगमुक्त होने के लिए जिन जिन रसायनों की आवश्यकता होती है वह अपने आप बनाने लगती है। यह डायबिटीज, गठिया, रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसे हर प्रकार के ऑटोइम्यून रोगों को ठीक करने में मदद करता है।
इसके साथ ही हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन बेहतर गुणवत्ता का मेलेटोनिन पैदा करता है। मेलेटोनिन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग और शरीर को तनावमुक्त करता है तथा हमारी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जो शरीर के विकास और सुधार के लिए उपयोगी है। यह हमारे अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड व ऑक्सीटोसिन नामक रसायनों को बनाता है जो कि प्रेम भाव को उद्दीत करता है। यह हमारे हृदय को खुलेपन और एकत्व की अनुभूति देते हैं। और हाँ, हमारे अंदर इम्यूनोग्लोबिन नामक रसायन का भी निर्माण होता है। यह वह रसायन है जो बैक्टीरिया व वायरस के विरुद्ध प्राथमिक रक्षण देते हैं, खासकर वर्तमान में चल रहे इस कोरोना वायरस से। यह ब्रेथवर्क टेलोमियर्स को बढ़ाता है जो आपको युवावस्था देता है। यह हमारी बढ़ती उम्र के बावजूद युवावस्था देता है और आपको दीर्घायु बनाता है। यह हमारी पीनियल ग्लैंड या तीसरी आंख को सक्रिय करता है, जिससे DMT नामक रसायन बनता है जो कि सहज रूप से पारलौकिक अवस्था में जाने के लिए हमें मददगार होता है। अब दोस्तों, आइए जाने की ब्रेथवर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लें। बहुत ही आराम से अंदर आती और बाहर जाती सांस पर एकाग्र हो जाएं। अपनी सांस को रोकना नहीं है, कोई विराम नहीं लेना है। शुरू में अपना बाएं हाथ पेट पर रखिए ताकि इस बात पर ध्यान रहे कि आपको पूरी सांस पेट के अंदर तक लेना है। और ध्यान दे, जब सांस अंदर लेंगे तो पेट बाहर जाएगा और जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर। अपनी सांसों को रोकना नहीं है, सजगता से निरंतर सांस लेते रहना है। अपनी अंदर आती और बाहर जाती सांस एक दूसरे से जुड़ी हुई रहे, उनमें कोई गैप नहीं रहे। किसी भी समय जब आप थक जाएं तो अपनी सांस की गति को कम कर सकते हैं, पर अपनी सांसों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही रखें। अपनी सांस को रोकिए नहीं, विराम न लें, सजगता से निरंतर सांस लेते रहें। और जब भी आप तैयार हों तब तेजी से सांस लेना शुरू कर दें। दोस्तों, ब्रेथवर्क का यह सत्र 25 मिनट का होगा और 25 मिनट के दौरान ऐसा सोचिए कि आप व्यायाम के लिए जिम में हैं। आपको खुद को चुनौती देना होगा और अपनी सीमितताओं के आगे जाना होगा, अपनी क्षमता के पार जाकर देखें। मान लीजिए कि मैं आपका जिम इंस्ट्रक्टर हूं, मैं आपको और गहरी सांस लेने के लिए और तेज सांस लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा और आप ऐसा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। उसके बाद हम गहरे ध्यान की परावस्था में प्रवेश करते हैं। यह अवस्था जादुई और अलौकिक है। इस सत्र के पूरे आनंद लेने के लिए, लाभ उठाने के लिए पूरे सत्र के दौरान अपनी आंखें बंद रखें। तेजी से सांस लेते समय आप आकर्षित करते हैं ऑक्सीजन को, प्राण शक्ति को, जीवन की मूल शक्ति को, उस मूल औषधि को। पूरी एकाग्रता के साथ गहरी सांस अंदर लें और फिर आराम से लंबी सांस बाहर छोड़ दें। अपनी शरीर को सारी दबी हुई भावनाओं को छोड़ देने की अनुमति दें। रोइए, हंसिए, चिल्लाइए, कोई संकोच नहीं, पूरी तरह से मुक्त हो जाएं। कोई हिचकिचाहट नहीं, इसे पूरे उत्साह के साथ करें। ये 3 जादुई शब्द याद रखें, FFF। F से फुल यानी पूर्ण, F से फ्री यानी स्वतंत्र, F से फ्लो यानी बहना। फुल, पूर्ण सांस अंदर लें, फ्री
आराम से सांस बाहर जाने दें, बस उसे मुक्त कर दें। फ्लो हमेशा बहते रहें, कोई विराम नहीं, कहीं रुकना नहीं, पानी के झरने की तरह बस प्रवाहित होते जाएं। दोस्तों, ब्रेथवर्क का यह पूरा सत्र 1 घंटे 17 मिनट का है। पहले 7 मिनट हम अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने आप को ध्यान की अवस्था में ले जाएंगे। उसके बाद अगला 25 मिनट हम ब्रेथवर्क की क्रिया करेंगे। जैसा कि मैंने पहले विस्तार से बताया, इस क्रिया के दौरान हमें तीव्रता से निरंतर गहरी सांस लेना है। तो दोस्तों, ये पहला 7 और 25 मिनट आपको बैठे हुए करना है। हालांकि आप चाहे तो इसे लेट कर भी कर सकते हैं, पर मेरा सुझाव है कि आप उसे बैठकर करें। उसके बाद मैं निर्देश देना बंद करूंगा और अब आप चाहें तो लेट भी सकते हैं और फिर आप संगीत के माध्यम से ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करेंगे। यह संगीत 35 मिनट तक चलेगा और उसके बाद फिर से मैं आपको 10 मिनट तक निर्देश दूंगा, जिसके पश्चात हम धीरे से आंखें खोलेंगे। अब आइए दोस्तों, मैं आपको अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब से अवगत कराता हूं। पहला प्रश्न, क्या यह ब्रेथवर्क की क्रिया दिमागी या दिल की बीमारियों वाले लोगों के लिए या गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है? दोस्तों, दिमागी या दिल की बीमारियों वाले लोगों के लिए यह पूरी तरह से सुरक्षित है, पर हाल ही 2 महीने में सर्जरी या ऑपरेशन हुआ हो तो इसे ना करें। गर्भावस्था में 7 महीने के दौरान यह ब्रेथवर्क कर सकते हैं, पर 8वें और 9वें महीने में इसे ना करें। जो महिलाएं हाल ही में गर्भावस्था से गुजरी हैं अथवा जिन लोगों को दिमागी या दिल की बीमारी है, तो कृपया सांस लेने की गति को अपनी अनुकूलता के अनुसार कम या ज़्यादा करें। अगर आपको मिर्गी के दौरे आते हैं तो कृपया ब्रेथवर्क को बिल्कुल ना करें। दूसरा प्रश्न, अगर मैंने पहले कभी ध्यान या ब्रेथवर्क ना किया हो तो क्या इसे करना ठीक रहेगा? बिल्कुल दोस्तों, यह करना ठीक है। वास्तव में ब्रेथवर्क एक ऐसी तकनीक है जिससे आप स्वाभाविक रूप से गहरे ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। तीसरा प्रश्न, क्या मेरे शरीर में दर्द, ठंड, गर्मी, पसीना, अकड़न, बेचैनी हो या फिर सिर का हल्का होना अथवा तीव्र संवेदना या हाई वाइब्रेशंस का अनुभव करना सामान्य है? हाँ, बिना किसी शंका के प्रक्रिया को जारी रखें, क्योंकि ब्रेथवर्क के दौरान यह तीव्र संवेदनाएं होना बहुत ही सामान्य है। चौथा प्रश्न, क्या मैं बीच बीच में अपनी आंखें खोल सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं करना है। ब्रेथवर्क के लिए आवश्यक है कि आप अपनी आंखें बंद ही रखें, और अगर आप अपनी आंखें खोलते हैं तो कृपया पुनः बंद कर लें और प्रक्रिया को जारी रखें। पांचवा प्रश्न, क्या मैं अपने शरीर को हिला डुला सकता हूँ? हाँ, आप अपने शरीर को हिला डुला सकते हैं और चाहे तो अपने आसन को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं। छठवां प्रश्न, हमें ब्रेथवर्क कितनी बार करना चाहिए? क्या हम इसे रोज कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आप चाहे तो इसे हर रोज कर सकते हैं। हालांकि मेरा सुझाव है कि आप सप्ताह में 1 या 2 बार भी करें तो यह पर्याप्त है। सातवां प्रश्न, ब्रेथवर्क करने की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों, ब्रेथवर्क की मिनिमम आयु है 12 वर्ष। मैं बताना चाहूँगा कि 16 वर्ष
और उससे बड़ी उम्र वाले लोग स्वतंत्र रूप से यह कर सकते हैं, परंतु 12 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को यह बड़ों की निगरानी में ही करना चाहिए। 8वां प्रश्न, क्या हमें पूरे ध्यान को करना पड़ेगा या फिर हम सिर्फ तेजी से सांस लेने की प्रक्रिया को ही करके उठ सकते हैं? हाँ दोस्तों, यह जरूरी है कि पूरे सत्र को किया जाए, क्योंकि सही अनुभव तेजी से सांस लेने के बाद की प्रक्रिया के बाद ही चालू होता है। नौवां प्रश्न, क्या हमें नाक से ही सांस लेनी है या फिर हम अपने मुंह से भी सांस ले सकते हैं? दोस्तों, आप अपनी सुविधा के अनुसार सांस ले सकते हैं। आप चाहें तो नाक से सांस लेकर नाक या मुंह से छोड़ सकते हैं, और या फिर मुंह से सांस लेकर नाक या मुंह से छोड़ सकते हैं। 10वां प्रश्न, क्या इसे खाली पेट करना जरूरी है? हाँ दोस्तों, इसे करने के पहले पेट खाली होना अनिवार्य है। कम से कम पिछले भोजन और इस प्रक्रिया के बीच 2 घंटे का अंतराल हो। तो यह थे कॉमन प्रश्नों के जवाब। तो दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस अद्भुत क्रिया का स्वयं अनुभव करें।